Assalamualaikum friends, this is me, Imran Khan from Mr. Tech Guru YouTube channel. Guys, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है. Guys, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन को मतलब एंड्रॉइड फोन को यूज करते हुए अपने मोबाइल में कार्टून मूवी किस तरह बना सकते हैं. गाइज, आप अपने बच्चों या अपने छोटे भाइयों के लिए या अपने लिए ये कार्टून मूवी बना सकते हैं. गाइज, इसमें क्या करना होगा, आपको अपने खुद करेक्टर चुनने पड़ेंगे और जो चाहेंगे आप वो डायलॉग्स वो कार्टून बोलेंगे और इस तरह आप एक अपनी कार्टून मूवी बना सकते हैं. गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कुछ कैसे होगा तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. गाइज, लाइक की बात करता चलूं तो गाइज, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ व्यूज ज्यादा होते हैं पर लाइक एक दो या पांच होते हैं. तो गाइज, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए क्योंकि इसमें ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते. जस्ट आपके सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा है. तो गाइज, आपसे गुजारिश है कि ये बिल्कुल फ्री होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को जो टारगेट है लाइक्स और सब्सक्राइबर का वो 40, आई होप आप इसको बहुत जल्द पूरा कर लेंगे. गाइज, वीडियो की तरफ मूव करते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई. तो अब यहाँ पर मेरे चैनल का आपको पेज नजर आ रहा होगा, रेड कलर का बटन होगा, ऊपर प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ. मूव करते हैं वीडियो की तरफ, बातें बहुत ज्यादा होगी, माजरत चाहता हूँ आपसे. और अब ये एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. मूवी स्टूडियो पर ये प्ले स्टोर पर आपको ये सर्च करने से नहीं आएगी, मैं आपको शो भी कर दूंगा, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका, आपने यहाँ पे मूवी के बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पे मैं वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ ताकि मेरे स्ट्राइक कोई ना आ जाए. यहाँ पे आपने अपना करेक्टर चूज करना है, जो आप करेक्टर चाहते हैं अपने मूवी में मतलब मूवी में जो करेक्टर आप बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पर हम तीन कोई कितने भी करेक्टर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. तो हम इनमें से तीन चार करेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर मैं एक मूवी बनाता हूँ जानवरों की, जिसमें एक सरदार होगा एलिफेंट मतलब हाथी और इसके दो साथी होंगे और ऊपर बटरफ्लाई होगी, बटरफ्लाई तो नहीं बटरफ्लाई होगी. और यहाँ पर आपने अपना म्यूजिक सेलेक्ट करना है. म्यूजिक सेलेक्ट करने के बाद गाइस ये देखिए यहाँ पर आपको ऊपर भी तीन बटन नजर आ रहे होंगे, पिंक कलर का, स्काई ब्लू कलर का और येलो कलर का. जो पिंक कलर का है यहाँ पे आप करेक्टर और ऐड कर सकते हैं और जो स्काई ब्लू कलर है बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं और साथ ही म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं एक और करेक्टर यहाँ से ले लेता हूँ ताकि हमारी जो कहानी है वो एक तरह की मुकम्मल हो जाए. गाइज, अब ये देख सकते हैं मैंने इनकी लोकेशन भी सेट कर ली है जहाँ मैं इनको खड़ा करना चाहता हूँ. ऊपर देख सकते हैं आप मक्खी है, नीचे हाथी और ये दो और जानवर हैं. अब ये जो हाथी है ये इनका सरदार होगा, जो मैंने कहानी अपने से बनाई है, आप भी अपने से बना सकते हैं. तो जो ये हैं दोनों, इनको हाथी कहता है कि आपने जो मैजिक सीखा है वो मुझे दिखाओ. तो अब आपने क्या करना है गाइस, ये ऊपर आपको रिकॉर्डिंग का बटन पिंक कलर में लेफ्ट साइड राइट साइड पर देखने को मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपकी जो वीडियो है स्टार्ट हो जाएगी. आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो चाहेंगे. अब ये देखिए आप जब इस हाथ पे बटन दबाएंगे तो ये इस तरह करेगा और जो आप बोलेंगे तब वो वही बोलेगा. इस पे मैंने प्रेस किया दूसरे जानवर पर और मक्खी पे प्रेस किया, मक्खी ने मूव किया. अब ये सरदार इनको कहेगा कि मुझे अपना मैजिक करके दिखाओ, दिल फेंकेगा, दूसरा भी फेंकेगा, फिर हाथी कहेगा कि मुझे दूसरा मैजिक दिखाओ. अब ये अपना मैजिक दिखाएगा, दूसरा जानवर भी अब मैजिक दिखाएगा. इसके बाद आप देख सकते हैं ये मैजिक आपको ऊपर बटन में नजर आएगा. सॉरी, मैं आपको वैसे वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये मूवी रिकॉर्ड नहीं होती. तो मैंने जब सेव की तब मैं आपको ये मूवी दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बटन प्रेस करके दिखा देता, मेरे पास दूसरा मोबाइल भी नहीं है. तो यहाँ पर हाथी गायब हो जाता है इस कहानी में और जो दूसरा जानवर है, तीसरा जानवर है वो भी गायब हो जाता है और ये जो दूसरा जानवर है ये बिल्कुल परेशान हो जाता है कि ये दोनों कहाँ गए. अब ये मक्खी से पूछता है कि यार ये कहाँ गए, तो मक्खी कहती है तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें ये ताकत नहीं है गायब होने की. तो मक्खी भी आपको ये करके कोशिश करता है गायब होने की पर नहीं होता, तो मक्खी भी गायब हो जाती है. अब ये बेचारा परेशान हो जाता है. ये मैंने अपने से सोची थी थोड़ी सी कहानी, आप भी सोच सकते हैं इसी तरह की कार्टून मूवीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये बेचारा परेशान खड़ा है. आप भी बना सकते हैं इसी तरह की क्लिप्स और ये हाथी आके इसके ऊपर दिल फेंकता है और ये भी पूछता है कि यार मैंने किस तरह गायब होना है. तो अभी ये फिर गायब हो जाएगा और ये फिर परेशान होगा कि यार मैंने किस तरह गायब होना है.
तो ये देख सकते हैं आप। इसी तरह आप भी अपनी एक कार्टून मूवी क्लिप्स बना सकते हैं, अगर आप जान आपने देखा कि किस तरह बना सकते हैं आप, इसमें अपने डायलॉग्स भी बुला सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायलॉग्स ऐड नहीं किए क्योंकि शायद अगर मैं डायलॉग्स ऐड करता तो म्यूज़िक की वजह से मेरे ऊपर स्ट्राइक आ जाती, इसलिए मैंने डायलॉग्स ऐड नहीं किए। अगर आपने तो करने हैं, जहर सी बात है आपने थोड़ी अपलोड करनी है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। गाइज स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।